Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal and in this video, we are going to learn the principle of scalar chain. Okay, what it says? It says, scalar chains mean line of authority or chain of superiors from the lowest to highest rank. ये बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना वहाँ पे एक लाइन बनी होती है, एक हायरार्की बनी होती है. फॉर से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की एज एन एम्प्लॉय. अब ऑब्वियसली जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रही हूँ तो उस डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा जो कि मेरे ऊपर होगा. फिर उसके बाद ओवरऑल एक कोई हेड होगा, मैनेजर बोल सकते हैं, वो उसके भी ऊपर होगा. और उसके ऊपर हो सकता है कोई बॉस हो, और हो सकता है उस बॉस के ऊपर भी कोई और बॉस हो. तो ये क्या एक लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ बनी हुई है कि भैया ये सबसे ऊपर रैंक वाला है, ये उससे नीचे वाले रैंक वाला है, उससे नीचे रैंक, और आप सबसे छोटे हैं. तो ऐसे ही बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एक हायरार्की बनी होती है, एक लाइन बनी होती है अथॉरिटीज़ की, जिसमें पता होता है कि भैया जो टॉप मोस्ट पे है वो सबसे ज़्यादा पार रख रहा है, उसके नीचे आते आते आपकी पार्स क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं. Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. ये बोलते हैं कि भैया देखिए किसी भी organization में इस chain का पालन बहुत strictly होना चाहिए. जैसे यहाँ पे हम डायग्राम पे आ जाते हैं. First ये है हमारे ultimate boss. ठीक है, ये हमारे कौन है, हमारे ultimate boss है. अगर इस इंसान को, ये जो एफ पोजीशन पे है, इस इंसान को किसी भी तरह की परमिशन लेनी है किससे, ए से, तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं होगा ये उठ के गया और सीधा ए के कैबिन में घुस गया. नहीं, इसे एक लाइन ऑफ अथॉरिटीज के थ्रू ही जाना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट ही हैव टू अप्रोच हूम, ही हैव टू अप्रोच ई, फिर ई जाएगा डी के पास, फिर डी जाएगा सी के पास, और सी जाएगा बी के पास, और फाइनली बी जा पाएगा ए के पास. जस्ट इमेजिन योर स्कूल प्रमाइसिस. आपके स्कूल में क्या होता है, आपको कोई तकलीफ होती है तो आप जाके मॉनिटर को बताते हैं, राइट? मॉनिटर आगे वो बताता है किसे, आपके स्कूल टीचर को. ऐसा तो नहीं होता मॉनिटर डायरेक्टली पहुंच जाता है चेयरमैन ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल के पास या फिर प्रिंसिपल के पास, नहीं ना. सबसे पहले वो किसको बताएगा, क्लास टीचर को बताएगा. क्लास टीचर हो सकता है एकेडमिक हेड को बताए, एकेडमिक हेड हो सकता है प्रिंसिपल को बताए. तो बेसिकली हर कोई इंसान अपने से ऊपर लेवल वाले को इन्फॉर्म करेगा, और वो उससे ऊपर वाले को, फिर वो उससे ऊपर वाले को, और फिर वो सबसे ऊपर वाले को. तो ऐसे चलता है पूरा आपका लाइन ऑफ यू नो लाइक बताना कि किस तरह से. तो एफ किसको बताएगा, ई को बताएगा, ई डी को, डी सी को, सी बी को, और बी ए को. एफ डायरेक्टली ही नहीं ए के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. एटलीस्ट आपके सुपीरियर को तो पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में पहुंच रहे हैं अपने बॉस के पास, किस चीज़ को लेके पहुंच रहे हैं अपने बॉस के पास. सो बेसिकली फ्योल बोलते हैं कि इस चेन को आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. यू कैन नॉट जस्ट रीच एनी वेयर अकॉर्डिंग टू योर विश. देन दे से every information must pass through every key of this chain, skipping of any one key should not be allowed. actually ek aadhe ko वैसे थोड़ा बहुत lenient कर लेते हैं, मतलब ये एक और चीज़ आती है वो मैं बताऊँगी आपको क्या रहती है वो next slide में. लेकिन यहाँ के लिए अभी सिर्फ इतना समझिए कि आपको basically हमारी ये जो chain है उसको अच्छी तरह follow करना पड़ेगा. According to scalar chain principle, if E wants to contact O, he has to move through E, D, C, B, A, L, M, N, O, and then O. अभी तक देखिए मैं आपको F और A का example दे रही थी. इस example के according E को approach करना है O को. एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है. तो ये कैसे करेगा, ये करेगा D को inform. D करेगा C को, C करेगा B को, B करेगा A को, ए एल को, एल एम को, एन एम को, और फिर ए तक पहुँचेंगे. तो देख रहे हैं आप कितना टाइम लगेगा, आपको पूरा एक ऐसा लाइन क्रॉस करके जाना पड़ेगा सामने वाले के पास. यू कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली गो टू दैट पर्सन. इफ़ द चेन इज़ ब्रोकन देन देर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन.
ये बोलते हैं कि अगर आपने इस चेन को तोड़ने की कोशिश करी ना, आपने डायरेक्टली किसी के पास पहुंचने की कोशिश करी ना, तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप आ जाए, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. रीज़न भी, एक ऑर्गेनाइजेशन का वो रहता है, ब्लड रहता है काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, और अगर आपने उसमें कहीं दिक्कत ला दी तो फिर हो गया था. तो ऑर्गेनाइजेशन भगवान भरोसे चली जाएगी. देन दे से, बट समटाइम्स फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इफ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी पास इट गेट्स डिलेड. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो वो क्या बोलते हैं ऊपर, वो बोलते हैं समटाइम्स क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा ई को ओ से बात करनी थी तो उसको कैसे जाना पड़ा 10-15 लोगों के पास, तब जाके ओ तक रीच कर पाया. तो ये क्या करते हैं, कभी कभी बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है कि आप किसी और के पास जाओ, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, फिर फाइनली इंसान के पास जा पा रहे हो. तो ऐसे सिनेरियो में चीज़ें डिले हो जाती हैं. तो ये बोलते हैं जब इमरजेंसी का टाइम हो या अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब यू के नॉट जस्ट वेट कि भैया सामने वाले को बताए, ये बताएगा वो बताएगा, नहीं, यू के नॉट वेट, यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट. तो ऐसे सिनेरियो में इन्होंने परमिशन दी है एक शॉर्टकट की. ये बोलते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं उस टाइम पे आपको वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. इन्होंने उसके लिए उन्होंने क्या बताया, एक शॉर्टकट बताया, और उस शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक. अब क्या है वो समझ लीजिए. अब देखिए, जैसे ई को रीच करना था किसके पास, ओ के पास. एक तो तरीका था यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यूँ घूमते हुए आते हैं. फिर ये बोलते हैं नहीं भैया इतना टाइम नहीं है, केस बहुत ही अर्जेंट नेचर का है. तो ऐसे सिनेरियो में एक शॉर्टकट दिया हुआ है कि डायरेक्टली ई ओ को अप्रोच कर सकते हैं, और इस चीज़ को बोला जाता है गैंग प्लैंक. नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे अटपटे नाम पूछे जा सकते हैं. सो बेसिकली क्या है, वैसे तो आपको नॉर्मल वो चेन फॉलो करनी है जो दी रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बट देयर इज़ अ शॉर्टकट इमरजेंसी वाले टाइम के लिए, और वो शॉर्टकट आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली उस बंदे को अप्रोच कर सकते हैं जिससे भी आपको क्वेश्चन पूछना है. गैंग प्लैंक्स परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजिशन विद इन द फॉलोइंग स्केलर चेन. ये बोलते हैं भैया जो भी लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे काम कर रहे होते हैं उससे आप बात कर सकते हो यूजिंग व्हाट स्केलर चेन, जो भी सॉरी यूजिंग दिस गैंग प्लैंक. फॉर एग्जाम्पल इफ ई वॉन्ट्स टू पास सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू ओ, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द लॉन्ग रूट ऑफ स्केलर चेन ही कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ओ बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग अ गैंग प्लैंक. जनरली वर्कर्स कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सीईओ बट थ्रू गैंग प्लैंक इट इज़ पॉसिबल. ये बोलते हैं कि भैया इमरजेंसी के टाइम पे तो सब कुछ वैसे ही अलाउड होता है. तो ये गैंग प्लैंक की जो हम परमिशन दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं, जब केसेस बहुत अर्जेंट नेचर के होते हैं, इमरजेंसी होती है, उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज आपको पूरा का पूरा वो सिस्टम वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा. तो ये हो गया एक और प्रिंसिपल किसका, हेनरी फ्योल का. अब इस प्रिंसिपल के भी पॉजिटिव नेगेटिव जान लेते हैं. पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. अब देखिए कोई भी ऐसा इंसान जो इस चेन के बीच में आता है वो वंचित नहीं रहेगा किस चीज़ से, इन्फॉर्मेशन से. मतलब उसके पास वो सारी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो उसके पास आनी चाहिए वो आएंगी टाइमली. उसको कभी भी ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरे को तो साइडलाइन कर दिया, मेरे को बिना पूछे ही सारी चीज़ चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं होगा. तो हर एक लेवल पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलेगा. नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ को ढंग से फॉलो नहीं करते तो उससे आता है कम्युनिकेशन गैप. तो अगर हम ढंग से फॉलो करें तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा. फिर वो बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. अगर आपने इस प्रिंसिपल को ढंग से फॉलो नहीं किया तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं. वो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप. वही चीज़ जो यहाँ पर नहीं आ रही थी वो यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा. नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. आपको किसको जवाब देना है, आपको किससे जिम्मेदारी लेनी है, इसका कोई पर्टिकुलर वो ही नहीं रहेगा. मतलब कोई एक पर्टिकुलर पहचान नहीं रहेगी. कोई भी किसी से बात कर रहा होगा, कोई भी किसी का काम कर रहा होगा, तो ऐसे में चीज़ें बहुत हॉच पॉच और क्योटिक हो जाएंगी.
सो इस प्रिंसिपल के होने से चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में है, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से चलेगी. सो ये था एक और प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में देख बता सकते हैं वो चीज़. और अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप magnetbrainsbhopal.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.